तेरे लहू के हर कतरों से आने लगी है ये आवाज, हो आने लगी है ये आवाज, तेरे लहू के हर कतरों से आने लगी है ये आवाज, हो आने लगी है ये आवाज, हर खतरों को हमने सहा है, रहना तुम आबाद, रहना तुम आबाद, तेरे लहू के हर कतरों से यीशु, तेरे लहू के हर कतरों से यीशु, आने लगी है ये आवाज, आने लगी है ये आवाज, हर खतरों को हमने सहा है, रहना तुम आबाद, रहना तुम आबाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाइयों, मेरे मसीह बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अपना कहने वाले सभी छोटे बड़े बुजुर्ग विश्वासियों, मैं अशोक मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम बोलता हूँ। और प्रभु के लहू की सामर्थ के बारे में आपको बताता हूँ। प्रभु के लहू में वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो चंगाई है, शायद बड़े से बड़े हकीम और वैद्य में ना हो, बड़े से बड़ी डॉक्टर के पास ना हो, तो प्रभु का लहू हमें वो शिफा देता है, हमें वो चंगाई देता है, हमारे जीवन को धो देता है, हमारे जितने भी पाप हैं प्रभु का लहू उसको धो के साफ करता है। 2017 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा था, प्रभु का लहू बहा था और पूरा जहां पाप से मुक्त हो गया है। प्रभु यीशु ने किसी ईसाई के लिए लहू नहीं बहाया था, प्रभु यीशु मसीह ने किसी यहूदी के लिए खून नहीं बहाया था, प्रभु ने हर उस पापी के लिए लहू बहाया था, प्रभु ने हर एक उस गुनहगार के लिए लहू बहाया था जिसको नरक में सजा मिलनी थी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने हर गुनाह से दूर हो जाओ, अपनी हर बुरी बात को अपने से कोसो दूर कर दो। आज सुबह की बात है, मैं अपने स्कूटी से सब्जी मंडी जा रहा था कुछ फल फ्रूट और सब्जी खरीदने के लिए। मैंने घर में बहुत खूबसूरत लाल कलर का दीवार पे सलीब नज़र आया, वहाँ पे एक व्यक्ति अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने उससे पूछा, है मेरे भाई, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो? उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसने अपने घर पे सलीब का निशान बनाया। बहुत से लोग तो अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन प्रभु कहता है जिसको बड़ा बनना है उसको पहले छोटा बनना पड़ेगा। एकदम से हम आखिरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ जाते हैं, एक एक कदम रखकर, एक एक पायदान चढ़कर हमको ऊंचाई पे जाना पड़ता है। वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही मसीह जीवन है। कोई एकदम से इतना विश्वासी नहीं बन सकता, इतना पवित्र नहीं बन सकता, उसको एक एक पायदान पे चढ़कर
प्रभु के प्यार को पाना होगा, प्रभु को अपना कहना होगा। प्रभु आप सबसे बहुत मोहब्बत करता है, प्रभु आप सबको अपना उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपना समझता है। जिस जिस ने प्रभु के नाम, प्रभु के लहू की सामर्थ्य को पाया, उससे कोसों दूर शुगर चली गई, उससे कोसों दूर ब्लड प्रेशर चला गया, एथलेटिक्स चला गया, ब्लॉकेज उसकी क्षण भर में धुल जाएगी। एक बार प्रभु के नाम को, प्रभु के लहू पर विश्वास करके तो देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं अशोक मसीह प्रभु का बहुत छोटा सा सेवक, कुछ भी नहीं हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। आज मेरे पास चाहे जितनी भी दौलत है, जितनी भी गाड़ी बाड़ी सब कुछ है, मेरे लिए जीरो है, क्योंकि प्रभु के प्यार से बढ़कर दुनिया का वैभव कुछ नहीं है। प्रभु हमसे मोहब्बत करेगा तो ये वैभव, ये दौलत, ये शोहरत आपको पलक झपकते ही मिल जाएगी। तो मेरे चीज़ों, मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, फ़ोन उठाने से मत घबराइए। बहुत से मसीहों को मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन उठाने से बहुत घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए, किसका फ़ोन आ जाए। प्रभु भी आपको फ़ोन करता है, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है, प्रभु आपको अपना कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके सभी सपनों को साकार करें। जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड।